शेखर साहब, एक टाइम था रात को 12 से 3 भूतों का टाइम होता था। अभी वो सारा टाइम ले लिया है सोशल मीडिया के आशिकों ने। है ये भी भूत ही हैं, हाँ। लेकिन ये लातों के भूत हैं। बाप आते सालो सो जाओ, 3 बच गए चलो। अच्छा, हाँ। वो बाप आके सबको सुला के जाता है तो सब डर के चलो बंद कर दिया सब। जब निकल जाते हैं कहते यार वो तो ठीक है, पापा 3 बजे तक क्यों जग रहे हैं। पापा भी सोशल मीडिया वाले ही हैं आजकल। जी जी, महाराज क्या बताएं, ये ऐसे आशिक हैं, ये रात को 3-3 बजे ऑनलाइन होके दूसरों को वहम में डाल के रखते हैं कि इसकी भी गर्लफ्रेंड होगी। लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं, लड़कियों की फोटो जूम कर कर बस मूंछें चेक करते रहते हैं। सो हम सबका यही हाल है, बदलते वक्त का ये कैसा असर होने लगा है, फोन स्मार्ट और आदमी बेवकूफ होने लगा है। बहुत क्या अच्छा। बात है, थोड़े दिन पहले अर्चना जी ने स्टेटस डाला शेखर साहब ने, हाय गाइस कल रात पार्टी में कुछ ज्यादा हो गई। हालांकि मैं ड्राइव करके घर जा सकता था, लेकिन फिर भी मैंने जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाया, मैं टैक्सी लेके गया। बड़ा लाइक किया इनके स्टेटस को, 40 कमेंट, 400 लाइक। भाभी जी ने नीचे कमेंट किया, कहां चले गए, पार्टी तो अपने घर में थी। पुरानी फिल्मों में मेरी फेवरेट फिल्म है हॉरर, भूतों वाली। उसको देखने के बाद अकेलेपन का एहसास नहीं होता था, हमेशा लगता था पीछे कोई है। अब हॉरर फिल्मों का एक पक्का पेट सीन होता था, 3-4 लड़के लड़कियां, छोटे छोटे कपड़े, हेमंत बिरजा अमिता नांगिया टाइप। वो जीप में बैठ के आधी रात को पिकनिक मनाने जाते थे जंगल में, और एक सुधीर टाइप आदमी लकड़ियां काट रहा। और वो सुनते नहीं था, निकल जाते थे। अब जीप जाते ही हवेली के आगे खराब होती थी पक्का, हमेशा। ओह माय गॉड यार, इसको भी खराब होना था यार। तो लड़की, वाओ सामने देखो गाइस हवेली। और उसका गेट खुलता, अंदर से मंकी कैप पहने एक बूढ़ा निकलता है, लालटेन लेके, जैसे आजकल बच्चन साहब कई बार मॉर्निंग वॉक में निकलते मंकी कैप। उसकी आवाज चेंज होती है, एक एंगल टाइप, चले जाओ यहाँ से, 20 साल से यहाँ कोई नहीं आया। कि मामा तू यहाँ क्या कर रहा है, तू भी जाके आधार कार्ड लिंक करवा बैंक के साथ, क्योंकि यही पेंशन किसने लगाई। अब घुसते ही लड़की को नहाने की पता नहीं क्या सोचती थी, मैं तो शॉवर लेने जा रही हूँ। जैसे वो अंदर गई, घड़ी की तरफ टिक टिक, 12 बजे समझे भूत के आने का टाइम हो गया। इतने में पीछे से आवाज आई गंदी सी, लड़की कौन, वैसे पूछ रही जैसे आगे बॉयफ्रेंड बैठा है, डार्लिंग नूडल बना रहा हूँ खाओगी। अब लड़की जैसे बाहर जाती है तो भूत ने पता नहीं, वो जल्दी जल्दी में वाइफ की जीन पहन के आ जाता था या क्या, उसको भागना तो चल भी नहीं पाता था। लड़की ने देखा, लड़की वाओ, लड़की आ गए भूत पीछे, लड़की आ गए भूत पीछे, लड़की आ गए भूत पीछे पीछे, लड़की आ गई। लड़की जाते चादर लपेट लेती, भूत गायब। भूत करने क्या आता था। जब भूत गया, लड़की थोड़ी रिलैक्स हो गई, ओ माय गॉड शुक्र है गया, पर्दे के सम्मुख पहुंचा, अंदर से फिर गिर गया। बस यही भूतिया टाइप फिल्मों को लेने लोग आते थे वहां पर। पुरानी फिल्मों में डॉक्टर के 2 ही डायलॉग होते थे, अब इन्हें दवा की नहीं दुआ की जरूरत। अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर से ज्यादा बातचीत हो तो एक लाइन और मिलती थी, आई एम सॉरी। हीरो आ रहा है लेके, हेलो डॉक्टर साहब, अरे इसका एक्सीडेंट हो गया, इसको बचा लीजिए। माफ कीजिए आपने आने में थोड़ी देर कर दी, काश आप इसे 1 घंटा पहले लेके आते, अब साले 1/2 घंटा पहले तो एक्सीडेंट हुआ है। पुरानी फिल्मों में हीरो और विलन कई बार क्लाइमेक्स में मिलते थे, पूरी फिल्म में नहीं मिलते थे। तो क्या करते थे, एक दूसरे को बस धमकियां देते रहते परिवार वालों को। हाँ। एक बूढ़ी अभी औरत चूल्हा फूंक रही है, उधर से शत्रु सब आए, बुढ़िया शाम कहाँ है। वो तुम बिट्टू की दवा खाने दवा खाने गया। शाम आए तो कहना के छे नु आया। ये गए, उधर से विनोद सब आए। हाँ। मुझे खबर मिली है कि छेनू आया था,
बताया क्यों नहीं? अब की बार आए तो कहना कि शाम आए। क्या शाम आया? छेनू आया, शाम में ठेका ले रखा है, रिमाइंडर लगाए, बिल्कुल ही दिमाग खराब, चल भाग यहां से। मेरा फेवरेट है अदालत वाला सीन। अदालत लगी हुई है, सारे आप जैसे बैठे हैं सब, और गवाह का वेट हो रहा है, और गवाह का अदालत में पहुंचना उतना ही मुश्किल होता है जितना प्राइवेट जॉब वालों का छुट्टी लेके ससुराल। तो उधर से वकील बोलता है, मेरे ख्याल से जज साहब, अदालत का वक्त जाया ना करते हुए आप अपना फैसला सुना ही दीजिए। तमाम सबूत और गवाहों के बयान से अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम रवि ने किशन का खून किया है, दफा 302 के तहत। राम को रुक जाइए जज साहब। जैसे वो आया और जूनियर आर्टिस्ट गवाह का डायलॉग तो है नहीं, ऐसे तो करेंगे डायलॉग तुम्हारा, क्या करे यार हमारा। और जो दीवार के साथ बैठा था वो भी कर रहा है, थोड़ा 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 सारा इसके पैसे काटो, ओवर एक्टिंग कर रहा है। अच्छा, इंडियन फिल्म वालों को पता है कि भारतीय लोग बड़े इमोशनल है, भावुक है, इसीलिए हर सिचुएशन पे गाना डालते हैं। अच्छा, बच्चे का नामकरण हो रहा है, माँ बाप मंदिर में खड़े हैं, वहां भी गाना गा रहे हैं। मेरे दो मोल रतन, एक है राम और एक लखन। राम भाई बच्चा, लखन भैया। अभी बाप को फांसी हो गई, विलन ने फंसा दिया झूठे केस में, और एक दिन पहले आके पियानो बजा रहा है, बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। बच्चे कोर्स कर रहे, अभी बच्चा बड़ा हो गया, हीरो बन गया, तो उसको फ्रस्ट्रेशन है कि मेरे बाप के साथ कानून ने बुरा किया। अभी तो स्टेटस पे बड़ास निकालते हैं, तब वो गंदे कपड़े पहन के पूरी फिल्म में गाना ही गाता रहता है। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। उधर पुलिस वाला था, ये अंधा ने डंडा कानून है, चल बात। अभी हीरो जेल में है पाजी, उसको पता चलता मेरा भाई भी इसी जेल में, पता कैसे चलता, दीवार के उस तरफ से आवाज आती है गाने की। आना जाना लगा रहेगा, टूट जाएगा, सुख आएगा। ये तो वही गाना जो मैं अपने भाई के साथ बचपन में गाता। अरे भैया आगे क्या है? करेगा जो भी भलाई के काम, उसका ही नाम रह जाएगा। रुको रुको, बाकी का मैं गाता हूं। मेरे दिल मेरे प्यार, मेरे दिल मेरे प्यार, आना जाना लगा रहेगा, दुख जाएगा, सुख आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।